द ग्रेट खली WWE में खेलने जाने वाले द ग्रेट खली को आज दुनिया भर में कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ग्रेट खली के बारे में, जो कि प्रॉफिट बजिंदर जी की मिनिस्ट्री में आए और आखिर प्रॉफिट बजिंदर जी को क्या बोले आज की इस वीडियो में देखेंगे, और किस प्रकार से प्रॉफिट बजिंदर जी ने उनसे बातें की और तमाम चीज़ों को उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ और क्या क्या बातें हुआ आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा और एक लोगों को जरूर शेयर करेगा, और अभी तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए वीडियो देखते हैं। जितने भी लोग हैं बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत सही रास्ता आपने अपनाया है। मैं मतलब जो बिजेंद्र जी अपने भाई है, जो उनने रास्ता अपनाया है, जो उनका मिशन है, मैं चाहूँगा कि आप उनका जो मिशन को पूरा कर रहे हैं और आज से पर मैं भी उनके साथ हूँ। बिजेंद्र जी कभी भी, वैसे तो आपको खैर जरूरत पड़नी नहीं थी, क्योंकि मतलब आप एक जैसे बोलते ना कि भगवान के बंदे हैं, है ना, खुद ही आप एक मतलब एक ईश्वर के बंदे, आपको जरूरत पड़नी नहीं। लेकिन कभी भी अगर हमारी आप कभी जरूरत समझेंगे और कभी भी दुख सुख पे कभी भी उम्र को याद करना, हम हाजिर होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए, और इस हिंदुस्तान को जरूरत भी है। जैसे आप लोग एक प्रचार कर रहे हैं, नशे से दूर रख रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल का जो नौजवान है नशे की ओर जा रहा है। और जैसे बोलते हैं ना, हमारे हर रोज कोई बोलते हैं कि भी पाकिस्तान से खतरा है या चाइना से खतरा है, मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा खतरा है तो नशे से खतरा है। जो आप आज कर रहे हैं कि नशे से दूर रख रहे हैं लोगों को और अच्छे परमात्मा के एक रास्ते पर लगा रहे हैं, तो मेरी ओर से और मैं चाहूंगा जोर से ताड़िया मारे एक बार, क्योंकि मैं दिलों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। पूरे मैं वर्ल्ड पे गया हूँ, इंडिया पे गया हूँ और फॉरेन पे भी बहुत जगह पे गया हूँ, लेकिन जो यहाँ जो एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, मैंने आज तक कहीं मेरे को फील नहीं हुई जो यहाँ पर हुई है। विजेंद्र भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बुलाया, और कभी भी हमारे को याद करना, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाइट जितनी ऊंची हाइट है उतना ही परमेश्वर इनको और इनके मस्तक को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये पहली बार मसीह सत्संग में आए और आप लोगों की दुआएं भी आज साथ लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ा मिराकल होगा, और सच में मैं अपने दोस्त ग्रेट खली का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतना कीमती टाइम। ये सच में बड़े बिजी थे, असम से पहले असम गए हुए थे और टाइम नहीं था। इन्होंने बड़ा कीमती समय ये बोलने कर नहीं, मैं बजिंदर सिंह के यहाँ जरूर जाऊंगा। हालेलुया, और परमेश्वर इनके आने पर इनको बड़ी आशीष दे, क्योंकि मैं इनके लिए बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहा था, और मैं 2 साल से सलमान खान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और वो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक वो इनको उनको भी यहाँ लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम। हेलो, आज यहाँ पर द ग्रेट खली, जो पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की शान है, वो आपके बीच में आए हैं। उन्होंने तारीफ सुनी थी विजेंद्र भाई की, के विजेंद्र जी नशे से और हिंदुस्तान के लोगों को सही दिशा देने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। द ग्रेट खली जी ने बोला कि भाई, खुद खली जी ने अपनी एकेडमी CW में नए साल का प्रोग्राम रखा हुआ है 12 बजे का, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल करके विजेंद्र जी के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ द ग्रेट खली जी का और विजेंद्र जी का, जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं और इतनी रात को सत्संग कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी के लिए नव वर्ष की हैप्पी न्यू ईयर।
बिल्कुल भगवान जी ने बिल्कुल सही बताया, हमने जो आप सभी लोगों ने देखी होगी रेसलिंग मैच को करते हुए, और मैंने एकेडमी बनाई है जलंधर में CWE की, और वहाँ पर जितने भी हमारे जो लड़के हैं विजेंद्र भाई साहब की एज के तकरीबन मोस्टली, वो सारे पार्टी कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान पार्टी कर रहा है आज। अलग अलग जगह जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और भाई साहब विजेंद्र जी कितना एक अच्छे रास्ते पे लगा रहे, सबको की नशे से दूर रख रहे हैं। समस्त जी ने जो एक रास्ता दिखाया उसका ही आगे मतलब उनका जो दिखाया हुआ रास्ता उसका ही मतलब चल रहे हैं, आगे रास्ता दिखा रहे हैं सबको। हालेलुया। सो आज मैं अपने जो स्टूडेंट है पूरे हिंदुस्तान से जो 300-400 स्टूडेंट है उनके साथ मना सकता था नया साल, लेकिन जो आप लोगों की एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना भगवान की जो जहाँ भगवान रहता है वहाँ की जो एनर्जी एक पावर, वहाँ से मेरे को खींच के यहाँ बुलाया है। और अब जैसे बोलते हैं ना आप अपनी आँखों से देखा इतना एक पॉजिटिव एनर्जी, इतना एक पावर, तो मैं विजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने मेरे को मौका दिया इतने अच्छे लोगों से मिलने का, और सभी को ही मैं नए साल की बधाई देता हूँ कि भाई खूब तरक्की करें, अपने अपने फील्ड में खुश रहे और हेल्थी रहे, और गॉड ब्लेस यू। और विजेंद्र भाई थैंक यू सो मच आपने बुलाया, और हैप्पी न्यू ईयर आपको पूरे फैमिली को, और हालेलुया।